कहेंगे इस पे? देखिए, सरकार तो पूरे मामले को एक गलत पैटर्न पे गलत ढंग से समझा रही है, और ये अभी से नहीं समझा रही है। ये सरकार आर्थिक मामलों पर शुरुआत से फेल रही है, और इनको हमेशा बहानों की दरकार रहती है। मैं अभी बता रहा हूं कि देखिए बहाने कहां से चलते थे। जब कोरोना नहीं था उसके पहले की स्थिति पे आते हैं हम लोग, यानी कि देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी पैदा हुई वो पहली गड़बड़ी नोटबंदी से पैदा हुई, और दूसरी गड़बड़ी जीएसटी से पैदा हुई, जो इन्होंने जीएसटी जबरन लाके गलत ढंग से जीएसटी सौंपा। और वही कारण है कि हम लोग अगर देखें कोरोना काल से पहले ही इसी सरकार में, मैं तो इस सरकार के प्रतिनिधियों को लगातार बोलता हूं कि आपके 2016-17 के प्रथम तिमाही में फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट था वो था 9.2% का ग्रोथ रेट था। लेकिन जब आप उस समय नोटबंदी लेके आते हैं तो वो आपका पूरे साल का गिर के वो 8.2% हो जाता है। नोटबंदी का इफेक्ट उसी समय पड़ता है, और उसके बाद फिर अगले साल आप जीएसटी लेके आ जाते हैं, और कोरोना काल से पहले ही आपकी इकोनॉमी गिरते हुए 3.2% पे आ जाती है। तब सरकार के नुमाइंदे उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बहानाबाजी करते थे, कहते थे कि चीन अमेरिका में ट्रेड वार हो गया इसलिए भारत जो है कुछ ट्रेड वार में पिस रहा है, चीन अमेरिका का ट्रेड वार का बहाना था। लेकिन भारत उस समय हम लोग लगातार मैं लिख भी रहा था, बोल भी रहा था, कम से कम 57 ऐसे उत्पाद इस जमाने में भी थे जो कि चीन अमेरिका के ट्रेड वार के कारण हम लोग आसानी से उसको चीन भेज सकते थे, और कई सारे देशों ने उस ट्रेड वार का लाभ लिया, वियतनाम सरीखे कई सारे देश रहे। बगल में बांग्लादेश का उदाहरण कभी भी भारतीय परिचर्चा में हम लोग लाते हैं तो फिर उसमें जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी उसको गलत ढंग से पेश करती है, तो छोटा सा देश है उससे कैसे आप तुलना कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से तुलना करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन बांग्लादेश से तुलना करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको शूट नहीं करता है। तो एक बहानाबाजी वहां पर देख लीजिए। दूसरी बहानाबाजी इनकी चलती है कि भाई कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से पहले ही आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी। और तीसरी बहानाबाजी है अभी यूक्रेन के मामले को लेके। देखिए, कांग्रेस अगर कह रही है कि हमको महंगाई मुक्त भारत चाहिए तो सही है, विपक्ष का यह मांग एक सही मांग है। महंगाई मुक्ति का मतलब क्या है? देखिए, एवरेज हम लोग इकोनॉमी में मान के चलते हैं कि 2% 3% के आसपास का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो स्वीकार्य दर है। वो इससे ऊपर का जो हम लोग जो खुदरा महंगाई दर है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। उसको अभी तो आप अगर एक तो सरकार के जो आंकड़े होते हैं वो कितने मैनिपुलेटेड होते हैं, और इस समय सरकार के खुद जो आंकड़े हैं वो 6% को क्रॉस कर रहा है। जो आरबीआई ने पहले 5% का एक तरह से एक उसने दिया था कि वे 5% के भीतर ही खुदरा महंगाई दर होना चाहिए, वो लगातार क्रॉस करते हुए 6% जा रहा है, नंबर वन। और ये तब जा रहे थे जबकि डीजल पेट्रोल के मूल्यों में 4 नवंबर के बाद से वृद्धि नहीं हो रही थी। तो बिना डीजल पेट्रोल के वृद्धि के भी भारत में महंगाई लगातार अनकंट्रोल हालत में थी, नंबर वन। नंबर टू कि आपका खुदरा जो थोक महंगाई दर है वो आपका डबल डिजिट में कितने महीने से लगातार बना हुआ है। और अगर हम लोग समय सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के दृष्टि से तो प्राय जो हमारा थोक महंगाई दर होता था वो खुदरा महंगाई दर से कम होता था। तो यहां तक अर्थव्यवस्था में इतनी भारी गड़बड़ी है राजीव जी कि अर्थशास्त्र के कई सारे कॉन्सेप्ट भी भारत में टूटते फूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहानेबाजी की स्थितियां, और ये बहानेबाजी की स्थितियां क्यों आ रही है मैं एक लाइन में समझा रहा हूं। और ये आज देखिए, भारत श्रीलंका के रास्ते तो चल रहा है, श्रीलंका आज एक दिन में श्रीलंका नहीं बना है। इसके पृष्ठभूमि में फिर हम लोग को पहले जाना पड़ेगा कोरोना काल से पहले। हमारे अर्थव्यवस्था में जो सारी समस्याएं थी वो समस्या थी डिमांड के तरफ, यानी लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी घट रही थी, यानी बेरोजगारी भी घट रही थी, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं थे। और सरकार कहां पर मदद कर रही थी? याद होगा कि सरकार ने जब पहली बार आरबीआई से इमरजेंसी फंड जो उन्होंने लिया 1,76,000 करोड़ रुपया, उसमें से 1,45,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे इन्होंने जो है वो उद्योगपतियों को बांट दिया। ये कहते हुए बांट दिया कि भाई एक तरह से इससे कहीं कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, जबकि उस दौर में जो अर्थव्यवस्था में समस्या थी वो डिमांड के तरफ थी। लेकिन आप सारा चीज झोंक रहे थे सप्लाई साइड में। तो अगर उसके तुलना में लोगों को अगर उसका राहत दिया जाता, इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाता, जनता को एक तरह से निचले स्तर पर आप कुछ लाभ सुविधा देते तो आपके यहाँ रोजगार का सृजन भी होता, तमाम तरह की चीजें भी होती, और ये दिक्कत नहीं आती। कांग्रेस को ईमानदारी के बारे में बोलने का पूरा नैतिक अधिकार है। और वो क्यों है नैतिक अधिकार मैं बता देता हूं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $140 प्रति बैरल की कीमतें थी तब भी भारत में जो कि अभी तो इस तरह से आज के समय में अगर हम लोग देखें तो $112 प्रति बैरल अभी इस समय यूक्रेन रूस के युद्ध जो चल रही है अभी उसके बावजूद भी तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $112-110 के आसपास है। अभी कांग्रेस ने $140 प्रति बैरल के समय में भी लोगों को कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम चुभने नहीं दिए। उस समय वो 60-70 के आसपास के रेशियो पर उस ब्रैकेट को बरकरार रखा इन्होंने।
तो इस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी और इसमें विफलता देखिए, एक तो आप सप्लाई साइड पर आप जोर देकर जबरन अपने आप उद्योगपतियों को लाभ दे रहे थे, आप इस साल के बजट को भी देखिए सरकार कहां पे घटा रही है, कहां पे इनको छूट देना चाहिए सामान्य लोगों को, जिससे कि लोग किसी तरह से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती, लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दिया। तो फिर सरकार का अभी तक यानी कि 2017-18 के समय से लेके अब तक सरकार का बल कहीं कहीं सप्लाई साइड पे है, कॉर्पोरेट पक्ष पे, और ये जो गलत नीति है वो हम लोगों को श्रीलंका के तक लगा रही है। राहुल जी आऊंगा, एक लाइन, राजीव जी, एक मिनट राजीव जी खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ कि देखिए आज आप रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि जब भारत सरकार की घोषित नीति थी कि हमें जो भी हम लोग जो भी प्रतिबंध मानेंगे वो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध मानेंगे, जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो आपने ईरान से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया, जब ईरान आपको सस्ते दर पे तेल दे रहा था, तमाम तरह के वो परिवहन के मामले में भी एशियाई प्रीमियम चार्ज भी नहीं लगा रहा था। तो भारत में जो महंगाई है, मैं कहना चाह रहा हूं एक तो सरकार के गलत आर्थिक नीति और गलत विदेश नीति के कारण ये दोहरे प्रभाव है हमारे महंगाई के। फिर आगे मैं आगे के चरण में और विस्तार से रखूंगा चीजों।